हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। बात करने वाले हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सूक्ष्म शिक्षण के अर्थ, परिभाषा, सोपान, उद्देश्य। इसके अलावा हम देखेंगे इसके गुण और दोष, मेरिट और डिमेरिट्स के बारे में। यह बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के लिए, चाहे आपका बीएड हो या डीएलएड हो। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है, माइक्रो टीचिंग क्या होती है? दोस्तों इससे पहले कि हम समझें कि सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ क्या होता है, थोड़ा सा आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आप किसी क्लासरूम में सूक्ष्म शिक्षण कर रहे हैं, माइक्रो टीचिंग कर रहे हैं, तो ये सबसे ज़्यादा किसके लिए फ़ायदा है? उन क्लासरूम में पढ़ने वाले बच्चों के लिए फ़ायदा है या फिर जो पढ़ा रहा है, जो माइक्रो टीचिंग कर रहा है उसके लिए फ़ायदा है? तो बिल्कुल आप सही कहेंगे कि जो माइक्रो टीचिंग कर रहा है उसके लिए फ़ायदा है। तो पहले यहाँ से देखिए, इसका प्रयोग शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों के लिए, मतलब जो टीचर ट्रेनिंग ले रहे हैं ना, उनके व्यवहार में परिवर्तन हेतु काम किया जाता है। माइक्रो टीचिंग से बच्चों में तो फ़ायदा होता ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदा किस में होता है? जो कि टीचर ट्रेनिंग ले रहे हैं, मतलब जो बीएड के बच्चे हैं, डीएलएड के बच्चे हैं, उनके व्यवहार में परिवर्तन होता है। चलिए अब हम यहाँ से शुरू करेंगे माइक्रो टीचिंग क्या होता है। देखिए, माइक्रो टीचिंग को हिंदी में हम सूक्ष्म शिक्षण कहते हैं। सूक्ष्म शिक्षण अंग्रेजी के माइक्रो शब्द का हिंदी अनुवाद है। सूक्ष्म या माइक्रो शिक्षण का अर्थ है लघु पाठ अवधि एवं लघु पाठ्य सामग्री में शिक्षण, मतलब छोटी सामग्री में आपको क्या करना है, शिक्षण करना है। अब आइए, सूक्ष्म शिक्षण एक ऐसी शिक्षक शिक्षण विधि है। दोस्तों यहाँ देखिए, हम शिक्षक शिक्षण विधि, मतलब शिक्षक को शिक्षण करने की विधि है, शिक्षण विद्यार्थी विधि नहीं है। शिक्षक शिक्षण विधि मतलब जो शिक्षक बनने वाले हैं उनके शिक्षण के लिए विधि है, जो कक्षा अध्यापन की जटिलता तथा विस्तारता को घटाकर उन्हें लघु रूप देती है, उन्हें छोटा रूप देती है, एवं शिक्षण कौशलों तथा निपुणताओं के उन्नयन के लिए कार्य करती है। मतलब आपके टीचिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए काम करती है, आपके शिक्षण कौशल, टीचिंग स्किल की निपुणता, मेच्योरिटी और उन्नयन, मतलब आपको बेहतर बनाने के लिए कार्य करती है। कौन सा? माइक्रो टीचिंग यानी सूक्ष्म शिक्षण। बिल्कुल आसान शब्दों में समझ गए, बहुत अच्छा। इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? शिक्षण प्रशिक्षणार्थी, मतलब टीचर ट्रेनिंग जो लेते हैं, उनके व्यवहार परिवर्तन हेतु किया जाता है माइक्रो टीचिंग का इस्तेमाल, प्रयोग। ओके, समझ में आ गया दोस्तों, समझ में आ गया कि माइक्रो टीचिंग क्या है। चलिए बहुत अच्छा, अब आइए इसको थोड़ा और समझेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, अगर एग्जाम में याद है तो लिखिए, वरना आपको हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि सूक्ष्म विधि के जन्मदाता किसे कहा गया है। डी एलन, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में काम करते थे, इनको ही हम क्या कहते हैं, माइक्रो टीचिंग के फादर कहते हैं, जन्मदाता कहते हैं। 1966 में सूक्ष्म शिक्षण की इस तरह व्याख्या की थी। इन्होंने कैसे किया था, अब ये बड़ा ध्यान से देखिएगा। सूक्ष्म शिक्षण एक विश्लेषित शिक्षण है, जिसमें शिक्षणों की प्रक्रिया लघु रूप से कम विद्यार्थियों वाली कक्षा में के सामने अल्प समय में संपन्न की जाती है। मतलब जो शिक्षण प्रक्रिया है आपको उसको छोटे रूप में, ठीक है, थोड़े से छोटे बच्चों के सामने छोटे समय के लिए किया जाता है, ठीक है। इसका प्रयोग सेवारत तथा सेवा पूर्व, सेवारत का मतलब जो कि सेवा कर रहे हैं, मतलब वो जो टीचर बन चुके हैं, तथा सेवा से पूर्व जो टीचर बनने वाले हैं, शिक्षकों के व्यावसायिक विकास हेतु किया जाता है, उनके व्यावसायिक विकास हेतु। सूक्ष्म शिक्षण क्या है, अध्यापकों को शिक्षण के अभ्यास हेतु ऐसी स्थिति प्रदान करता है जिसमें कक्षा शिक्षण की सामान्य जटिलताएँ कम हो जाती हैं। इससे अध्यापक बहुत ज़्यादा मात्रा में अपने शिक्षण व्यवहार हेतु प्रतिपुष्टि प्राप्त करता है, मतलब और क्या कहता है, बेस्ट की तरफ बढ़ता है और अच्छाई प्राप्त करता है। समझ में आ गया दोस्तों, यूँ आसान भाषा में समझ जाइए कि माइक्रो टीचिंग क्या होता है। जो टीचर ट्रेनिंग होते हैं उनको क्या करते हैं, एक अनुभव के रूप में कम अवधि के लिए, कम समय के लिए, कम बच्चों के रूप में हम एक शिक्षण करने का अवसर देते हैं, जिससे उनके व्यवहारों में परिवर्तन आ सके। बड़े आसान से शब्दों में समझ गए। चलिए कुछ और पॉइंट को हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि हम बात करें सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषा के बारे में बात करें, इफ़ यू टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द माइक्रो टीचिंग, सो वी हैव सम डेफिनेशन राइट। अकॉर्डिंग टू द स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के अनुसार, सूक्ष्म शिक्षण क्या है, अध्यापन अभ्यास कक्षा आकार व कक्षा अवधि में न्यूनीकृत अनुमाप है। चलिए बहुत सही। मैक एलिज एवं अनवन के अनुसार, शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों द्वारा सरलकृत वातावरण में किए गए शिक्षण व्यवहारों को तत्काल प्रतिपुष्ट प्रदान करने के लिए क्लोज सर्किट टेलीविजन का प्रयोग को प्रायः सूक्ष्म शिक्षण कहा जाता है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, इसको हटा देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं AWDLN के अनुसार, सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण का लघु क्रियाओं में बांटना है।
जैसे मान लीजिए कोई बड़ी शिक्षण कार्य है तो आपको उसको लघु क्रिया में बांट देना है, क्या कहता है, छोटे छोटे क्रियाओं में शिक्षण करना है, क्या कहलाता है, सूक्ष्म शिक्षण कहलाता है। बी एम शोर के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण कम अवधि कम शिक्षण क्रिया वाली प्रविधि है। तो इसमें से कोई दो या तीन आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बहुत सही दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि माइक्रो टीचिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, इसकी विशेषताएँ क्या होती हैं। देखिए, ये एक ऐसी विशेषता है कि शिक्षण प्रक्रिया व्यवहारिक दृष्टिकोण से अस्पष्टता प्रभावित होते हैं, अतः अधिक सुगमता से प्राप्त किए जा सकते हैं शिक्षण प्रक्रिया, ठीक है। ये इसकी क्या विशेषता हो गई माइक्रो टीचिंग की। परंपरागत प्रशिक्षण की अपेक्षा सूक्ष्म शिक्षण अधिक सरल तनाव मुक्त होता है, क्योंकि इसमें प्रशिक्षणार्थी को थोड़े छात्रों को परिचयनित एक कौशल के लिए कार्य करना होता है, ठीक है। यह अत्यधिक व्यक्तिगत प्रविधि है, इसमें प्रशिक्षार्थी को ट्रेनी को शिक्षण अधिगम की किसी विशिष्ट पक्ष पर अवधान केंद्रित करना होता है। कक्षा संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन एवं अंतः क्रियाओं को अधिक वस्तुनिष्ठता के साथ सुगमतापूर्वक अध्ययन व अवलोकन किया जाता है। चलिए, ये है गई कुछ इसकी विशेषताएं। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों सूक्ष्म शिक्षण के गुण और दोष के। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको जानना पड़ेगा। तो अगर हम इसके गुण और दोष के बारे में बात करें तो इसके लाभ क्या है, पहले इसके लाभ को जानते हैं। यह कक्षा शिक्षण की जटिलताओं को कम करता है। देखिए, माइक्रो टीचिंग में क्या होता है ना, जो आपके जो कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज होते हैं, जो बहुत जटिलता है, उसको लघु रूप में कर देता है, छोटे छोटे, मतलब जहां आपको 50 बच्चों को पढ़ाना है, नहीं 50 बच्चों को नहीं, आपको केवल 4 से 5 या 10 बच्चों को पढ़ाना है, तो ये क्या होगा, एक लघु रूप हो जाएगा, तो इसकी जटिलताएँ कम हो जाएगी। और क्या होता है, यह शिक्षण छात्राध्यापक को कम समय में ज़्यादा सिखाती है, ठीक है, आपको एक्सपीरियंस हो जाता है इस चीज़ों को। इस विधि के माध्यम से छात्राध्यापक को विद्यालय में सीधा पढ़ाने जाने की बजाय छोटी छोटी कक्षा, कम छात्र एवं छोटी पाठ्य योजना के अध्ययन कार्य सिखाता है, तो इस क्या होता है, छात्राध्यापक को बहुत उपयोगी सिद्ध होता है, ठीक है। इससे आपके आत्मविश्वास बढ़ते हैं, आपकी योग्यता अनुसार शिक्षण कौशलों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, उन्हें जैसे मान लीजिए कहीं कमी बेसी हो गई तो आप उस पर ध्यान देंगे, ठीक है। प्रतिपुष्टि मतलब फीडबैक संपूर्ण एवं सभी दृष्टिकोण से अंगीकार होता है, आपको फीडबैक मिलेगा, उस पर आपको काम करना पड़ेगा। और छात्राध्यापक का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन किया जाता है, जो भी टीचर पढ़ाने जा रहा है, जो माइक्रो टीचिंग कर रहा है, उसका भी एक छोटी क्या होता है, मूल्यांकन हो जाता है। और भी बहुत सारे इसके लाभ हैं दोस्तों, जैसे माइक्रो टीचिंग से क्या होता है, छात्राध्यापक की व्यक्तिगत विभिन्नता पर ध्यान प्रदान किया जाता है, ठीक है। सूक्ष्म शिक्षण से छात्राध्यापक के व्यवहार परिवर्तन पर ज़्यादा प्रभावी होता है। सूक्ष्म शिक्षण से शिक्षण कौशलों का अभ्यास वास्तविक जटिल परिस्थितियों की अपेक्षा ज़्यादा सरल परिस्थितियों से कराया जाता है। तो ये सारी क्या है दोस्तों, लाभ हैं। अब अगर हम बात करें इसके हानि की, हानि क्या होता है, हानि अर्थात दोष की अगर हम बात करें तो सूक्ष्म शिक्षण के कुछ दोष हैं। देखिए, साधनों का प्राय अभाव होने से सूक्ष्म शिक्षण में वीडियो फिल्म, जो कि सर्वाधिक प्रभावी है, का प्रयोग किया जाना संभव नहीं होता, ठीक है। पर्याप्त साधन नहीं हो तो ये क्या आता है, प्रयोग नहीं किया जा सकता। सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग करने हेतु विशेष रूप से प्रशिक्षित अध्यापकों की जरूरत होती है, ऐसे अध्यापकों की कमी है। माइक्रो टीचिंग सूक्ष्म शिक्षण हेतु कई कक्षाओं की जरूरत होती है, क्योंकि जब छोटे छोटे बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं तो आपको कई क्लासेस चाहिए, ठीक है। सूक्ष्म शिक्षण में छात्र अध्यापक को अलग अलग शिक्षण कौशलों का अभ्यास कराया जाता है, इससे छात्र अध्यापक शिक्षण कौशलों के अलग अलग प्रयोग करने में तो दक्षता प्राप्त होते हैं, लेकिन वास्तविक शिक्षण में के समय सभी शिक्षण कौशलों का एकीकृत रूप से प्रयोग करने में समर्थ नहीं हो पाते। देखिए, इसमें क्या होता है, बच्चों के ट्रेनिंग जब होती है, माइक्रो टीचिंग कराया जाता है, तो उन्हें बहुत सारी प्रयोग बताए तो जाते हैं, लेकिन जब उन्हें प्रैक्टिकल रूप में लागू करना होता है अपने पढ़ाई के समय, तो एक इंसान सबको लागू नहीं कर पाता, ये संभव नहीं होता। तो ये इसके दोष हैं। दोष में अगर आप और देखें, सूक्ष्म शिक्षण में पढ़ाना धन की समस्या उत्पन्न करना है, ठीक है। सूक्ष्म शिक्षण में कई सारे बच्चे पढ़ाते जाते हैं, तो उसमें बहुत सारे आपको प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है, तो थोड़े से धन खर्च होते हैं। इसमें कौशल के घटकों पर बल दिया जाता है, विषय वस्तु गौण होती है, ठीक है। आपकी स्किल्स पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, चैप्टर और टेक्स्ट बुक पर कम ध्यान दिया जाता है। और वर्तमान शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों की सूक्ष्म शिक्षण का प्रवेश धन की समस्या को जन्म दे रहा है। वास्तविक कक्षा में 30 विद्यार्थी एवं सूक्ष्म शिक्षण में 5 से 10 विद्यार्थियों को पढ़ाने में बड़ा अंतर होता है। इससे ट्रेनी जो होते हैं, प्रशिक्षणार्थी जो होते हैं, कक्षा अनुशासनहीनता की वास्तविकता समस्या को सामना नहीं करना पड़ता है। वो जब ज़्यादा बच्चे हो तो ज़्यादा अनुशासनहीन रहते हैं, तो वो चीज़ें उनको नहीं एक्सपीरियंस हो पाती है। तो ये दोस्तों हो गए
सूक्ष्म शिक्षण के कुछ गुण और दोष, लाभ और हानि, तो आप इसके संबंधित आपको आपको लिखना पड़ेगा अपने शब्दों में। आइए कुछ और पॉइंट को देखते हैं। दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सूक्ष्म शिक्षण से संबंधित कि सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया एवं सोपान बताइए, मतलब स्टेप बताइए। तो दोस्तों इसका जो पहला स्टेप है कि प्रथम सोपान है कि पाठ योजना का निर्माण। आपको पहले लेसन प्लान बनाना पड़ेगा। लेसन प्लान मतलब आपको क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, इन सभी की योजना बनानी होगी, सभी का प्लानिंग करना होगा, ठीक है। दूसरा सोपान है दोस्तों कक्षा शिक्षण। आप इन चीज़ को प्लान करने के बाद उसको क्लास में क्या करेंगे, बच्चों के सामने उसे पढ़ाएंगे, तो ये आपका दूसरा हो गया। छात्र अध्यापक छोटे से पाठ को अपने सहयोगी छात्र पढ़ाता है, यह सोपान सूक्ष्म शिक्षण का सत्र कहलाता है, टीचिंग सेशन कहलाता है, शिक्षण सत्र कहलाता है, ठीक है। तीसरा दोस्तों फीडबैक, आपको फीडबैक लेना है। फीडबैक कई तरीके से लिया जाता है, जो आपका सुपरवाइजर होगा वो देगा। तो फीडबैक कैसे लेंगे दोस्तों, फीडबैक में छात्र अध्यापक द्वारा पढ़ाए गए पाठ को प्रभाविता के विषय से पर्यवेक्षक द्वारा, पर्यवेक्षक मतलब जो निरीक्षण कर रहा है, पर्यवेक्षण है, उसके द्वारा विशेष रूप से विकसित मूल्यांकन प्रपत्र की सहायता से जानकारी दी जाती है। कहने का मतलब यह है कि जिसने आपने माइक्रो टीचिंग करी तो आपको फीडबैक दिया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि आपने कैसा पढ़ाया, कहाँ गलती हुई, कहाँ अच्छा किया, तो आपको फीडबैक दिया जाएगा। इसका चौथा स्टेप सोपान क्या है दोस्तों, पुनः पाठ योजना। आपको रीप्लानिंग करना, अगर आपके अंदर कोई कमी है तो कमी को दूर करके, अगर कमी नहीं है तो आपको एक बार दोबारा चेक किया जाएगा, रीप्लानिंग करना पड़ेगा, रीलेसन प्लान बनाना पड़ेगा ताकि बच्चों को और समझ में आए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों पुनरीक्षण, ठीक है, रीटीचिंग। आपने रीप्लानिंग कर लिया, फिर उसके बाद आपने रीटीचिंग कर लिया और एक बार और फीडबैक लेके आपने उस कमी को दूर कर लिया, और इस प्रकार से आपका क्या हो गया, ये सारा स्टेप पूरा हो जाता है। तो आप इसको जरूर ध्यान रखिए, 6 स्टेप होते हैं इसके, 6 सोपान होते हैं। पहला पाठ योजना, 3 याद कर लेंगे, 3 याद कर लेंगे काम हो जाएगा, जैसे कि पाठ योजना और शिक्षण प्रक्रिया, ठीक है, और तीसरा है फीडबैक, ठीक है, फीडबैक, बस ये 3 हो गया। अब इसी को दोबारा करना है, री करना है, ठीक है। तो इसमें री में क्या करना है, री लेसन प्लान, पुनः पाठ योजना, पुनः शिक्षण और पुनः फीडबैक, ठीक है, पुनः प्रतिपुष्टि, पुनः फीडबैक, री फीडबैक। तो ये हो गया हमारा दोस्तों हमारा सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया एवं सोपान, सूक्ष्म शिक्षण के स्टेप, ठीक है। दोस्तों इसी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, बिल्कुल घबराना नहीं है आपको, बस एग्ज़ाम्स में लिख कर आना है, बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, आप देखिएगा बड़े अच्छे से आपको ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी, आप इससे लिख सकते हैं, ओके। चलिए दोस्तों इसके कमेंट में मैं एक लिंक दे दूंगा जिसमें हमने पाठ योजना के बारे में डिस्कस किया, लेसन प्लान के बारे में ऐसे ही डिस्कस किया कि पाठ योजना की अर्थ, परिभाषा, प्रकृति क्या होती है, ये इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं, आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको सूक्ष्म शिक्षण के बारे में कितना समझ में आया, क्या मेरी वीडियो सहायक है या नहीं है। आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं दोस्तों, मुझे आपके फीडबैक का बड़ा इंतज़ार है बेसब्री से। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक वाले आइकन पर क्लिक करके लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए रेड वाले आइकन पर क्लिक करके, और घंटी का आइकन भी दबा दीजिएगा, और इंस्टाग्राम पर अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो जाने टॉक 01 के नाम से मेरा इंस्टा आईडी है, आप वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।